जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला के परिसर में बुधवार को नेशनल कैडेट कोर की छठी स्वतंत्र वाहिनी का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया। प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए जिला भर के 7 महाविद्यालय और 12 विद्यालयों के करीब 598 कैडेट्स जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। छठी स्वतंत्र वाहिनी के कमान अधिकारी कर्नल मंगेश वानखेड़े ने बताया कि कोविड-19 के चलते एनसीसी के सभी प्रशिक्षण शिविर पूरी तरह से बंद हो चुके थे, जिसके चलते कैडेट्स को नेशनल कैडेट कोर के कई सारे इवेंट्स का ज्ञान नहीं हो पाता था। बदली हुई परिस्थितियों में एक बार फिर एनसीसी के प्रशिक्षण शिविरों का क्रम शुरू हो गया है, जिसके तहत पहला प्रशिक्षण शिविर बुधवार को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में इन सभी कैडेट्स को ड्रिल पीटी के साथ साथ शूटिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हथियारों की जानकारी और हथियारों के रखरखाव का भी ज्ञान इन कैडेट्स के साथ साझा किया जाएगा। ये जो हमारे एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, हमारे को इसी दौरान मौका मिलता है कि सभी कैडेट्स को इकट्ठा करके उनको एक साथ ट्रेनिंग दी जाए, उनके बीच में एक नेशनल इंटीग्रेशन का भाव पैदा किया जाए। तो हम ये 10 दिन का मौका मिलते ही हम उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं और इनको ड्रिल, पीटी, वेपन ट्रेनिंग, खास करके फायरिंग, जो हम आमतौर पर नहीं करा पाते हैं, ये सब चीज़ें हम कैंप में कराते हैं। प्लस इनको थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी पढ़ाते हैं, आर्मी के बारे में उनको नॉलेज दी जाती है। प्लस हम कई एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी देने की कोशिश करते हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़ के बारे में या सोशल सर्विसेज के बारे में या फिर लॉ एंड ऑर्डर, अभी ये सब चीज़ें हम कैंप में इनको बताने की कोशिश करते हैं। 10 दिन का ये प्रशिक्षण चल रहा है, हालांकि अगर मौसम की बात करें तो भीषण गर्मी चल रही है, तो इन सारी परिस्थितियों के बीच क्या कुछ चैलेंजिंग है बच्चों के लिए रहने वाला? अभी जैसा हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से चैलेंजेस में चैलेंजेस आ ही जा रहे हैं। पहले कोरोना का चैलेंज था तो एक साल कैंप नहीं लगा, फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर भी उपाय ढूंढे, वैक्सीनेशन हुई, मास्क के साथ सब लोगों ने कैडेट्स ने कैंप अटेंड किए। अब इस बार गर्मी में कैंप है, आमतौर पर सारे कैंप्स इसी टाइम होते हैं क्योंकि स्कूल्स में छुट्टी होती है, कॉलेजेस में छुट्टी होती है। तो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे बनाया है कि अर्ली मॉर्निंग फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, फिर थोड़ा बहुत जो वेपन ट्रेनिंग वगैरह जो शेड के नीचे बैठ के हो सकता है वो 10-11 बजे तक, और उसके बाद टोटल क्लासरूम टीचिंग होगी दोपहर 12-12.5 बजे तक, और प्लस दिन में जो भी होगा उनको रेस्ट दिया जाएगा, और शाम का गेम्स भी शाम के थोड़ी सी गर्मी कम होने के बाद ही उनको बाहर निकाला जाएगा। वानखेड़े सर, कितने स्टूडेंट्स, कितने कैडेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ से कैडेट्स? इस कैंप की हमारी टोटल स्ट्रेंथ है रफली 550 कैडेट्स, और पूरे ऊना शहर के, ऊना डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेजेस हैं, हमारे पास 7 कॉलेजेस हैं, उसके करीबन 250 कैडेट्स और स्कूल्स के अबाउट 300 कैडेट्स इस कैंप में आएंगे।